हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम लोग बनाते हैं कढ़ी चावल। ये ऑल टाइम फेवरेट होता है क्योंकि नॉर्मल दाल खाका के हम लोग बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा चेंज के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कढ़ी। तो ये मैंने बनाई है आज कढ़ी चावल, उसके साथ आलू का भुजिया और ये हरी चटनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक छोटा कप मैंने बेसन लिया है, उतना ही दही लिया है, और ये कड़ी पत्ता, राई, मिर्ची, नमक, हल्दी और ये मसाले जो जिसमें मैंने जीरा गोलकी को पेस्ट बनाया है। सबसे पहले बेसन में नमक और हल्दी डाल के इसको और उतना ही पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसमें कोई भी लम्स ना रहे, इस तरीके से हम मिलाएंगे। 5 मिनट इसको छोड़ने के बाद फिर मिलाएंगे। अब देखिए, इसको चेक करने का बेस्ट तरीका है पानी में डाल के देखेंगे, अगर ये तैरता है तो ये पक गया है। चलिए तो अब इसको फ्राई करते हैं। छोटा छोटा डालेंगे तेल गरम करके। ये देखिए किस तरीके से ऊपर में ये फूल रहा है और फ्लोट कर रहा है तेल में। ये ऑलमोस्ट हो गया है। मैंने पूरा बेसन यूज़ नहीं किया था, मैंने थोड़ा सा बेसन इतना बचा के रखा था। मैं इसमें दही मिलाऊंगी। ये देखिए ये हो गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा ऑयल हम बाहर निकाल लेते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा था फ्राई करने के लिए मैंने लिया था। अब वो बची हुई बेसन में दही मिलाएंगे और इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे ताकि दही पूरी तरीके से बेसन में मिल जाए। अब फ़ौरन डालेंगे तेल में वो मसाला, जीरा गोलकी का पाउडर, और ये हम अपना बैटर डाल लेते हैं दही और बेसन वाला। पानी आप अपने अनुसार डाल लीजिए, जितना आपको थिक और जितना थिन रखना है। सॉल्ट, हल्दी, ये देखिए इसमें बबल्स आने के बाद इसमें हम बरी डाल देंगे। 5 मिनट से 7 मिनट इसे तेज आंच पे खौलाएंगे। बरी बिल्कुल ऊपर तैर रही है, देखिए किस तरीके से। अब इसको निकाल के धनिया पत्ता से गार्निशिंग कर देंगे। तैयार है हमारी